Let's start our today's work. Question number 6. Find the cost of painting a wall having a door of dimensions 4 meter multiplied by 3 meter. The length and breadth of the wall are 10 meter and 10 meter respectively. And the rate of painting is rupees 50 per square meter. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वॉल, एक वॉल को पेंट करना है, हैविंग अ डोर यानी उसमें डोर भी है, दैट हैव डाइमेंशंस 4 मीटर एंड 3 मीटर यानी रेक्टेंगल शेप का एक डोर है. डोर पे हमने पेंट नहीं करना, हमने जस्ट वॉल को पेंट करना है. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द वॉल आर 10 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली, मीन्स एक स्केयर शेप का रूम है. एंड द रेट ऑफ पेंटिंग रुपीज, आगे उसका रेट आपने बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल we will write length and breadth of door. Look at here, length of door is equal to 4 meter and breadth of door is equal to 3 meter. Area of door, door ka area kitna hoga, length multiply by breadth, 4 meter multiply by 3 meter is equal to 12 meter square. Iske baad hum length of wall likhenge, that is 10 meter and breadth of wall is equal to 10 meter. एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड. यहाँ आप स्केयर का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. इज इक्वल टू 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर इक्वल 100 स्केयर मीटर. एरिया ऑफ पेंटिंग वॉल यानी उस एरिया का अब हमने बताना है जिस पर हमने पेंट करना है, यानी वॉल को पेंट करना है, डोर को पेंट नहीं करना. यहाँ पर हम जो रूम का एरिया है उसमें से डोर को माइनस कर देंगे. एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ डोर, 100 मीटर स्क्वायर माइनस 12 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 88 मीटर स्क्वायर हमने वॉल को पेंट करना है. अब पेंटिंग की कॉस्ट उसने हमसे पूछी है पर मीटर पर. वो कहता है कि 50 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू रुपीज़ 50. और इस पूरे एरिया पे कॉस्ट कितनी आएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 88 स्क्वायर मीटर यानी वॉल पे, पूरी वॉल पे जब हम उसको पेस्ट पेंट करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय 88. 1 मीटर पे जो कॉस्ट आ रही है उसको आप 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वी विल गेट द आंसर रुपीज 4400. क्वेश्चन नंबर 7. Find the base of a parallelogram if the corresponding height is 6 cm and area is 18 square cm. First of all, we will write the given data. Area of parallelogram is equal to 18 square cm. It is a short form of parallelogram. Height is equal to 6 cm. Base humne find out karni hai. First of all, you will write the formula of area of parallelogram, that is base multiplied by height. एरिया गिवन है हमें 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. यहाँ पर एरिया के नीचे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. बी अननोन है, बी एज इट इज़ रहने देंगे. मल्टीप्लाइड बाय हाइट हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर. अब यहाँ से हमने बेस फाइंड आउट करनी है, तो बेटा यहाँ बेस को यहाँ पर ही रहने देंगे और 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है. जब हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे दूसरी साइड पर, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड में. 18 स्क्वायर सेंटीमीटर ओवर 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर को कट करेंगे, इट्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. बेस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर.